इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या करते हैं डेली बेसिस पे? डू यू फॉलो अ रूटीन और डू यू डू समथिंग? यस सर, मैं लाइक सुबह जल्दी उठ के एंड थोड़ा एक्सरसाइज एंड उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग मतलब थोड़ा साफ सफाई भी करती हूँ और क्या करते हो? घर की सफाई। अच्छा, घर की सफाई करते हो, अपने घर की किसी और? अपने घर की। एंड फिर उसके बाद पूजा करती हूँ एंड फिर बाकी सारे काम करती हूँ। और रात को सोने से पहले कुछ रूटीन है? रात को सोने से पहले आपकी वो वीडियो देखती हूँ, नाइट वाली अफर्मेशंस वाली। अफर्मेशंस वाली, मॉर्निंग वाली नहीं देखते? मॉर्निंग वाली भी देखते हो? अच्छा, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है एक स्टूडेंट के लिए, या सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, कोई भी पर्सन हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जो डेली बेसिस पे उसको करना चाहिए? आइडियली एक जर्नल मेंटेन करनी चाहिए, यानी कि एक डायरी जिसमें कि डेली बेसिस पे दिन के एंड में आज क्या क्या हुआ, उसमें से जो मान लो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, कुछ ना कुछ तो अचीव किया होगा ना दिन में। दिन में कुछ अच्छा भी हुआ होगा, कुछ बुरा भी हुआ होगा, तो दिन में जो सबसे अच्छा हुआ उसके बारे में डिटेल में लिखो। इससे क्या है, सोने से पहले आप एक ग्रैटिट्यूड वाले जोन में चले जाओगे, एंड ग्रैटिट्यूड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल वर्च्यूज इन लाइफ। जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके अंदर पेशेंस नहीं है, उसके अंदर खुशी की बातें हम कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल में खुशी, कंटेंटमेंट, पीस, ये सब चीजें हो ही नहीं सकती बिना ग्रैटिट्यूड के। तो सोने से पहले उस डायरी में ये लिखना है कि आज सबसे अच्छा क्या हुआ, मिनिमम एक, मैक्सिमम कुड बी डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, कि अगर आप दो तीन चीजें भी लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, बट एक तो लिखनी लिखनी है डेली बेसिस पे रात को सोने से पहले। प्लस उसके साथ साथ में उस डायरी में या अलग से किसी पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या अचीव करना है अगले दिन में, उसको भी प्रायोरिटाइज कर लो। जैसे हो सकता है आपको तीन काम करने हैं, उसमें भी आप प्रायोरिटाइज कर लो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, फिर सेकेंड प्रायोरिटी पे ये है, थर्ड प्रायोरिटी पे ये है। एंड कहा जाता है ईट द फ्रॉग फर्स्ट, जो ऐसा काम है जो आपको करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसको सबसे पहले करो। यूजुअली हम क्या करते हैं, हमारी ब्रेन क्या करती है, उसको सबसे एंड में डाल देती है, फिर वो काम होता ही नहीं है, फिर वो प्रोक्रास्टिनेट होता रहता है। तो जो भी काम आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है उसको टॉप प्रायोरिटी पर डाल दो। यू मस्ट हैव समथिंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट फॉर द नेक्स्ट डे, बहुत जरूरी है। कुछ भी ऐसा है जो मेरे को आज मैं जिस भी लेवल पर हूँ उससे एक स्टेप और आगे ले जाएगा। अब मेरे को मतलब क्या, मेरी स्किल को, मेरी नॉलेज को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसको, या मैं अगर तैयारी कर रहा हूँ किसी चीज़ की उसको, या मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ उसको, या पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो साथ में करी जा सकती हैं। जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, राइट? यस। तो उसके साथ साथ में और क्या किया जा सकता है, कितना कुछ किया जा सकता है? यस सर, बहुत। आज की रेट में तो पता नहीं क्या क्या किया जा सकता है, आज की रेट में तो इन्फिनिट ऑप्शंस हैं। जी सर। आप किस में कर रहे हो, आईटी में कर रहे हो? यस सर, सीएसआईटी। तो उसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू कैन लर्न, जो कि आप फ्री में भी सीख सकते हो ऑनलाइन। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो अपनी स्किल को आप डेवलप कर सकते हो, वहां पे आपको सर्टिफिकेट भी मिल सकता है। मतलब यहीं बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे ऑनलाइन आज की डेट में हार्वर्ड से, स्टैनफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, पता नहीं जो भी वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं वहां से सीख सकते हो। अब ये सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। अर्जेंट क्या है कि मेरे दो दिन बाद एग्जाम आने वाले हैं। जो वर्ड मैं यूज करता हूँ ना, खच्चर, ये आपने सुना होगा? हाँ जी सर, यस सर, सुना है। यस, ये कुछ आइडिया है मैं किन लोगों के लिए यूज करता हूँ ये जो वर्ड? यस सर। किसके लिए करता हूँ? सर, जो लाइक भागे जा रहे हैं अपनी लाइफ में और मतलब अभी ये करना है, जो एक भेड़ चाल की तरह चले जा रहे हैं। और भेड़ चाल का मतलब क्या है कि जो अर्जेंट है सिर्फ उनका ध्यान वहीं तक होता है, जो इम्पोर्टेंट है वो कभी करते ही नहीं है, वो कभी ऐसा काम करते ही नहीं है। दोनों में फर्क देख पा रहे हो, अर्जेंट में और इम्पोर्टेंट में? अर्जेंट मतलब क्या, आई हैव टू डू दिस, अब तो डेडलाइन आ गई, अब तो करना ही पड़ेगा, एग्जाम आ गए, अब तो करना ही पड़ेगा नहीं तो फेल हो जाऊंगा, एक साल पीछे रह जाऊंगा, घर में पैसा नहीं है तो नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, तो इट्स ऑल अबाउट पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, आई वॉन्ट टू डू दिस। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आई हैव टू एंड आई वॉन्ट टू। सो योर माइंड मस्ट ऑलवेज बी कि किस तरह से मैं इस आई हैव टू से निकल करके आई वॉन्ट टू वाली कैटेगरी में घुसूं। धीरे धीरे, एकदम से नहीं होगा, ओवरनाइट नहीं होगा, क्योंकि मान लो अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, तो धीरे धीरे आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये हैव टू से हट करके आपको वांट टू में आना है। क्या आई रियली वॉन्ट टू डू दिस? इसलिए नहीं कि कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मंडे आ गया है तो सुबह उठना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका साइन क्या है कि आप सही ट्रैक पर जा रहे हो, जब आप संडे के दिन भी
एक्साइटेड हो जो भी कुछ मंडे को होने वाला है उसके लिए? आप एक्चुअल में अंदर से ये फील करते हो कि मंडे मेरी वीक का बेस्ट डे है, तो आप कह सकते हो कि यस यू हैव डन समथिंग इंटरेस्टिंग इन लाइफ, अब इन खचरों की रेस से आप बाहर आ गए। नहीं तो ये तो रेस चलती ही रहती है मरते दम तक, यहां से कभी बंदा बाहर निकल ही नहीं पाता है। उसकी वजह क्या है, उसकी जड़ क्या है, वो कभी भी वो काम करते ही नहीं है जो करना चाहिए, जो करना इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ वही काम करते रहते हैं पूरी लाइफ जो उनको करना पड़ेगा। तो वो करो जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज रियल ग्रोथ। इसीलिए मैंने क्या कहा, वो जो जर्नल है या वो जो डायरी है या जो भी पेपर पे आप लिख रहे हो, उसमें टॉप पे वो लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मे नॉट बी अर्जेंट बट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो डेली बेसिस पे समथिंग दैट यू आर ग्रेटफुल फॉर, उससे क्या है, नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो सुबह अगले दिन आप एनर्जी के साथ उठोगे, और सुबह उठते ही यू मस्ट हैव आइदर योर ओन अफर्मेशंस, या फिर जो मेरी एक अफर्मेशन वाली वीडियो है या ऐसी और अफर्मेशन वीडियोस हैं उनको आप सुन सकते हो, जो भी आपको अच्छी लग रही है उनको।